नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार चक्रवर्ती है। मैं आदित्य बिरला इंटरमीडिएट कॉलेज रेणुकूट सोनभद्र में पढ़ाता हूँ, कॉमर्स का टीचर हूँ। आज हम जो बात करने आए हैं वो है वाणिज्य के कुछ टॉपिक लेके जो अधिक कुशल तत्व से संबंधित है क्लास 12th का। पहला है ऋणदाता या साहूकार या महाजन, दूसरा देसी बैंकर, तीसरा सहकारी साख समितियां, चौथा चिट फंड, पांचवा सरकारी तकावी, छठवां औद्योगिक बैंक, छठवां के बाद है अब सातवां है भूमि बंधक या विकास बैंक। ऋणदाता या साहूकार या महाजन, इसका अर्थ है साहूकार अथवा महाजन उस व्यक्ति को कहते हैं जो अल्पकाल के लिए किसानों, छोटे कारीगरों, मजदूरों एवं मध्य वर्ग के लोगों को ऋण देता है या जमा पर धनराशि स्वीकार नहीं करता। साहूकार ऋण देने के साथ साथ खेती का कार्य या दुकानदारी भी करता है। डॉक्टर एलसी जैन के अनुसार साहूकार या महाजन वह व्यक्ति है जो अपने ग्राहक को समय समय पर ऋण देता रहता है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी साख संस्थाओं तथा बैंकों की शाखाओं का जाल बिछने के बाद भी ग्रामीण साख व्यवस्था में महाजनों तथा स्वदेशी बैंकरों का महत्व बना हुआ है। साहूकार दो प्रकार के होते हैं, पहला पेशेवर और दूसरा गैर पेशेवर। पेशेवर व्यवसाय या पेशेवर महाजन केवल ऋण देने का ही कार्य करते हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान को उधार देते हुए घूमते फिरते हैं। गैर पेशेवर ऐसे महाजन ऋण देने का कार्य सहायक या पूरक धंधे के रूप में करते हैं। गैर पेशेवर वर्ग में बड़े किसान, जमींदार, व्यापारी आदि आते हैं। साहूकारी प्रथा की विशेषताएं। पहली विशेषता है साहूकार अपनी ही धनराशि से ऋण देते हैं। दूसरा, अधिकांश महाजन ऋण देने के साथ साथ व्यापार तथा अन्य कार्य भी करते हैं। तीसरा, ये अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन तीनों प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं। चौथा, ये अपना हिसाब किताब गोपनीय रखते हैं। साहूकार या महाजन के कार्य। पहला, ऋण देना। साहूकार ग्रामीण जनता को अल्पकाल के लिए उत्पादन तथा अनुत्पादक दोनों प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं। ऋण की अदायगी के नियम कठोर नहीं होते, बल्कि ऋणियों की सुविधा के अनुसार ऋण की अवधि में कमी या वृद्धि कर ली जाती है। साहूकार निम्नलिखित विधियों द्वारा ऋण प्रदान करते हैं, हाथ उधारी, गिरवी रखकर, रहन रखकर, प्रतिज्ञा पत्र लिखवाकर, रुककर लिखवाकर, किस्त प्रणाली के आधार पर, बही में लिखकर, दस्तावेज के आधार पर, जिंस के रूप में ऋण। दूसरा कार्य है इनका कृषि उपज को बेचने में सहायक। महाजन किसानों की उपज को बड़े बड़े शहरों में पहुंचाने में सहायता करते हैं। थर्ड, अन्य व्यापार करना। महाजन ऋण देने के अतिरिक्त विभिन्न वस्तुओं का व्यापार भी करते हैं। फोर्थ, सट्टे का कार्य। महाजन सट्टा बाजार में सोना, चांदी, रुई आदि के में सट्टा भी करते हैं। अब आते हैं, देखते हैं देसी बैंकर। भारतीय केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति 1929 के विचारानुसार स्टेट बैंक, विदेशी विनिमय बैंक, व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक आदि को छोड़कर कोई भी व्यक्ति या निजी फर्म जो हुंडियों में व्यवहार करें और जनता से जमा स्वीकार करें तथा ऋण प्रदान करें वह स्वदेशी बैंकर कहलाती है। भारतीय बैंकिंग आयोग
1972 के अनुसार देसी बैंकर वे व्यक्ति एवं संस्थाएं हैं जो अपने व्यवसाय के लिए जमाएं स्वीकार करते हैं अथवा बैंकों से उधार लेते हैं। ये माल सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण के लिए अल्पकालीन हुंडियों द्वारा धन की व्यवस्था करते हैं। देसी बैंकर की विशेषता, इनकी कुछ विशेषताएं जो इस प्रकार हैं। पहला है, ये भारतीय बही खाता पद्धति के अनुसार अपने हिसाब किताब सही ढंग से रखते हैं। दूसरा, ये अपने ग्राहकों के हिसाब किताब को गोपनीय रखते हैं। तीसरा, इनके कार्य करने का ढंग सरल एवं सीधा होता है। चौथा, इनकी ब्याज की दर ऊंची होती है। ये किस्तों में ऋण की वसूली करते हैं तथा ऋण की पहली किस्त देते समय ही ब्याज काट लेते हैं। पांचवा, ये उत्पादन तथा उपभोग दोनों प्रकार के कार्यों के लिए ऋण नकद अथवा वस्तुओं, बीज, खाद और औजारों के रूप में लिया जा सकता है। ऋण जमानत पर या बिना जमानत के भी दिए जाते हैं। छठवां पॉइंट, इनका यह पैतृक व्यवसाय होता है। सातवां, सभी प्रकार के देसी बैंकर की कार्य प्रणाली एक सी नहीं होती। आठवां, व्यापारिक बैंकों की तुलना में इनके पास पूंजी कम होती है। ये सामान्यतः जनता से जमाए भी स्वीकार करते हैं। नौवां, इनका कार्य क्षेत्र प्रायः गांवों तक ही सीमित रहता है। दसवां, इनके द्वारा जमानत पर या बिना जमानत के ऋणी की साख पर भी ऋण दिए जाते हैं। देसी बैंकर के कार्य। देसी बैंकर द्वारा किए जाने वाले विविध कार्यों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, बैंकिंग कार्य तथा दूसरा गैर बैंकिंग कार्य। बैंकिंग कार्य में पहला देखते हैं, जमाए स्वीकार करना। देसी बैंकर जनता से जमा के रूप में धनराशि स्वीकार करते हैं जिस पर ये ब्याज देते हैं। दूसरा, ऋण प्रदान करना। ये छोटे किसानों, व्यापारियों, उत्पादकों आदि को जमानत पर ऋण प्रदान करते हैं। तीसरा, हुंडी का व्यवसाय। देसी बैंकर हुंडियों का क्रय विक्रय करते हैं तथा उन्हें बट्टे पर भुनाते हैं। ये तो थे इनके बैंकिंग कार्य। अब गैर बैंकिंग कार्य में देखते हैं। नंबर वन, देसी बैंकर बैंकिंग के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय भी करते हैं। दूसरा, ग्राहकों की धनराशि को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजते हैं। तीसरा, फर्मों के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। अब आते हैं सहकारी साख समितियां। भारत में सहकारी साख आंदोलन की आधारशिला सर फ्रेडरिक निक्सन ने रखी। उन्होंने कृषि साख उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सन 1895 में मद्रास में एक कृषि बैंक स्थापित करने का सुझाव दिया। उन्होंने देश के किसानों की भारी ऋणग्रस्तता को देखते हुए सरकारी साख संस्थाओं की स्थापना के लिए भी सरकार से सिफारिश की। तत्पश्चात सन 1901 में अकाल आयोग ने भी भारत में सहकारी साख समितियों की स्थापना के लिए सुझाव दिया। इन सुझावों के परिणाम स्वरूप देश में सन 1904 में पहला सहकारी अधिनियम पारित किया गया। सहकारी साख समितियां, ऐसी समितियां सरकारी साख की आधारशिला का काम करती हैं। वर्तमान समय में ऐसी समितियों की संख्या कुल सरकारी समितियों का लगभग 75% है। ये समितियां किसानों को साख उपलब्ध कराने का कार्य करती हैं। इनकी प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। पहला, सदस्यता, गठन तथा समिति का आकार। कोई भी 10 व्यक्ति या अधिकतम 100 व्यक्ति जो समान क्षेत्र
भाषा या जाति के हों मिलकर किसी साख समिति का गठन कर सकते हैं। दूसरा, कार्य क्षेत्र। इस प्रकार की समिति का कार्य क्षेत्र प्रायः एक गांव होता है। एक ही गांव के व्यक्ति मिलकर इसका गठन करते हैं और यह उन्हीं की आर्थिक सहायता के लिए कार्य करती है। तीसरा, पंजीकरण। ऐसी समिति के लिए संबंधित राज्य के सहकारी अधिनियम के अंतर्गत अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। चौथा, दायित्व। देश के अधिकांश कृषि साख समितियों में सदस्यों का दायित्व असीमित है, अतः समिति के ऋण के लिए प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों ही प्रकार से उत्तरदायी होता है। पांचवा, प्रबंध एवं संचालन। इन समितियों का संचालन लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। समिति के प्रबंध के लिए दो समितियां होती हैं, पहला साधारण सभा, दूसरी प्रबंध समिति। मताधिकार। प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत देने का अधिकार होता है। सातवां पॉइंट है, पूंजी। समिति की पूंजी दो प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होती है, पहला आंतरिक स्रोत तथा दूसरा बाह्य स्रोत। आठवां पॉइंट, उद्देश्य तथा कार्य। ऐसी समितियों का प्रमुख उद्देश्य अपने सदस्यों को उचित ब्याज पर अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण प्रदान करना है। नौवां, ऋण नीति। ये समितियां केवल अपने सदस्यों को ऋण प्रदान करती हैं, गैर सदस्यों को नहीं। साख समितियां मुख्यतः तीन प्रकार के कार्यों के लिए ऋण देती हैं, पहला उत्पादक कार्यों के लिए, दूसरा अनुत्पादक कार्यों के लिए, तीसरा पुराने कर्जों के भुगतान के लिए। दसवां पॉइंट है, लाभ का वितरण। जिन साख समितियों की अंश पूंजी नहीं होती, उन्हें अपना समस्त लाभ संचित कोष में जमा करना पड़ता है। अंश पूंजी वाली समिति शुद्ध वार्षिक लाभ का 25% कोष में रखकर शेष 75% को अंशधारियों से लाभांश के रूप में वितरित कर सकती है। 11वां पॉइंट, निरीक्षण तथा अंकेक्षण। समिति के कार्यों का निरीक्षण पंजीकृत के अधीन निरीक्षकों द्वारा किया जाता है। समिति के हिसाब किताब की जांच भी पंजीकृत अंकेक्षकों द्वारा कराता है। 12वां, विवाद का निपटारा। समिति तथा उसके सदस्यों के मध्य उत्पन्न विवाद का निपटारा पंचायतों द्वारा किया जाता है। 13वां पॉइंट, सदस्यता का परित्याग। कोई भी सदस्य लिखित आवेदन पत्र देकर समिति की सदस्यता छोड़ सकता है। 14वां पॉइंट, समिति का भंग किया जाना। यदि पंजीकृत चाहे तो वह नियमों के विरुद्ध कार्य करने वाले या निरंतर घाटे में चलने वाली समिति को भंग कर सकता है। अब आते हैं चिट फंड। चिट फंड कुछ व्यक्तियों का पारस्परिक सहायता प्राप्ति का एक ऐच्छिक संगठन होता है। ये संगठन बड़े बड़े नगरों जैसे कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, कानपुर आदि में बनाए जाते हैं। इनकी सदस्यता संख्या 10 अथवा इससे अधिक कितनी भी हो सकती है। यह संगठन एक कोष का निर्माण करता है, जिसमें समस्त सदस्य एक निश्चित धनराशि मासिक रूप में जमा करते रहते हैं। प्रत्येक सदस्य को प्रतिमा एक चिट दी जाती है, जिस पर एक संख्या लिखी रहती है। प्रत्येक माह में एक निश्चित तिथि को लॉटरी निकाली जाती है तथा जिस सदस्य के चिट की संख्या अर्थात लॉटरी निकलती है, उसकी संपूर्ण राशि जो उसे माह में जमा होती है
दे दी जाती है। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जब तक सभी सदस्यों का नंबर ना आ जाए, किसी भी सदस्य की लॉटरी दोबारा ना निकले। चिटफंड अधिनियम 1982 17 राज्यों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में प्रभावशील हो चुका है। भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर 1 जुलाई सन 1989 में से उपयुक्त अधिनियम को राजस्थान में भी लागू कर दिया है। अन्य राज्यों में इसे लागू करने के लिए उचित कार्यवाही की गई है। चिटफंड के लाभ, इसके प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। पहला, जनता में बचत की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। दूसरा, एक साथ पर्याप्त धनराशि मिल जाने से उपयोगी कार्य में लगाया जा सकता है। तीसरा, इससे पारस्परिक सहयोग की भावना में वृद्धि होती है। चौथा, लॉटरी से प्राप्त राशि संकट काल में अत्यधिक सहायता या सहायक होती है। चिटफंड के दोष, इसके प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं। पहला, इसमें धोखाधड़ी तथा बेईमानी की संभावना रहती है। दूसरा, अव्यवस्था की दशा में पारस्परिक विवाद का भय रहता है। तीसरा, कभी कभी यदि कोई व्यक्ति जिसकी लॉटरी पहले निकल आती है तथा वह किस्त देना बंद कर देता है, तब योजना के असफल होने का भय हो जाता है। अब आते हैं, देखते हैं सरकारी तकावी। सरकारी तकावी का अर्थ, अरबी भाषा में अल्पकालीन ऋण को तकावी कहते हैं। भारत में राज्य सरकारें कृषि कार्यों के लिए भूमि सुधार ऋण अधिनियम 1883 तथा कृषक ऋण अधिनियम 1884 के अंतर्गत किसानों को जो ऋण देती रही है, उन्हें तकावी ऋण कहा जाता है। भूमि सुधार के अंतर्गत 20 वर्ष तक की अवधि के दीर्घकालीन ऋण दिए जाते हैं, जबकि कृषक ऋण के अंतर्गत किसी की चालू आवश्यकताओं के लिए अल्पकालीन ऋण दिए जाते हैं। यह ऋण तहसीलदार अथवा विकास अधिकारी के माध्यम से दिए जाते रहे हैं। सरकारी तकावी का आरंभ, भारत में तकावी ऋण का आरंभ बाण, अकाल, सूखा आदि किसी प्राकृतिक आपदा के समय किसानों की सहायता के लिए किया गया था। अर्थात तकावी ऋण का उद्देश्य संकट के समय किसानों की आर्थिक सहायता करना था, किंतु धीरे धीरे यह ऋण सरकार द्वारा नियमित रूप से दिए जाने लगे और किसान इनका प्रयोग कृषि कार्यों में भी करने लगे। तकावी का वर्तमान स्वरूप, वर्तमान में तकावी ऋण किसानों की खेती संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तथा संकट काल में जीवन निर्वाह संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिए जा रहे हैं। गत कुछ वर्षों में भारत के अनेक राज्यों में कृषि संबंधी ऋणों के वितरण का अधिकार पंचायतों को दे दिया गया है। ऐसे राज्यों में राज्य सरकार द्वारा केवल संकटकालीन ऋणों का वितरण ही किया जाता है। जिन राज्यों में पंचायती राज की स्थापना नहीं हो पाई है, वहां पर तकावी ऋणों का वितरण अब भी राज्य सरकार का राजस्व विभाग करता है। तकावी ऋण की रकम, भारत में तकावी ऋणों के रूप में प्रतिवर्ष कितनी रकम वितरित की जाती है, इसका सही अनुमान अभी तक नहीं लगाया जा सका है। ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति के अनुमान के अनुसार तकावी ऋण भारतीय कृषकों की कुल कृषि साख आवश्यकता का 3% भाग ही पूरा कर पाते हैं। सरकार तकावी ऋण की मात्रा का निर्धारण किसानों की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं करती, बल्कि सरकार तो यह निश्चित करती है कि उसे कुल कितनी धनराशि तकावी ऋणों के रूप में वितरित करनी है,
तत्पश्चात कुल निर्धारित राशि को किसानों की मांग के अनुपात में वितरित किया जाता है या वितरित किया जाता है। तकावी ऋणों के दोष, कम धनराशि। तकावी ऋणों के रूप में मिलने वाली राशि सामान्यतः आवश्यकता से कम रही है। इसका कारण यह है कि तकावी ऋणों की कुल राशि का निर्धारण सरकार अपने बजट को देखकर करती है, न कि किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर। दूसरा, ऋणों की के वितरण में पक्षपात। तकावी ऋण प्राय राजनीतिक प्रभाव वाले बड़े बड़े किसानों को ही दी जाती है। छोटे किसानों के लिए बहुत कम रकम शेष रहती है। जब से तकावी ऋणों का वितरण अधिकार पंचायत समितियों को दिया गया है, तब से तकावी ऋणों का लाभ मुख्यतः सत्ताधारी दल से संबंधित व्यक्तियों को ही मिल पाता है। तीसरा, ऋण वितरण में देरी तथा भ्रष्टाचार। तकावी ऋणों की स्वीकृति तथा भुगतान में पर्याप्त समय लग जाता है। इनकी प्राप्ति में विलंब के कारण इनका व्यवहारिक महत्व ही समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त तकावी की प्राप्ति के लिए रिश्वत भी देनी पड़ती है, जिससे किसानों को मिलने वाली वास्तविक रकम बहुत कम रह जाती है। चौथा, ऋण की दुरुपयोग की संभावना। तकावी ऋण विशिष्ट कार्यों के लिए ही दिए जाते हैं, किंतु ऋण राशि के उपयोग को की देखरेख के अभाव के कारण ऋणों के दुरुपयोग की आशंका रहती है। पांचवा, ऋण वसूली में कड़ाई। तकावी ऋणों की वसूली में बड़ी सख्ती तथा कठोरता से काम लिया जाता है। किसानों के हल, बैल तथा अन्य आवश्यक सामान की कुर्की तक करा ली जाती है। अब आते हैं, देखते हैं औद्योगिक बैंक। औद्योगिक बैंक का अर्थ औद्योगिक बैंक से अभिप्राय ऐसे बैंक से है जो उद्योग धंधों को मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण देता है तथा उद्योगों के विकास के लिए अन्य कार्य भी करता है। भारत जैसे विकासशील देशों में उद्योगों में धनराशि लगाने का कार्य अत्यंत जोखिमपूर्ण होता है। उद्योगों के लिए चालू पूंजी का प्रबंध तो व्यापारिक बैंकों द्वारा कर दिया जाता है, किंतु स्थायी पूंजी का प्रबंध व्यापारिक बैंक नहीं कर पाते, क्योंकि इन्हें जनता से दीर्घकालीन ऋण प्राप्त नहीं हो पाती। अतः उद्योगों की मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋणों की मांग की पूर्ति के लिए विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की जाती है, जिन्हें औद्योगिक बैंक के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक बैंक के कार्य। औद्योगिक बैंक के सामान्यतः निम्नलिखित कार्य करते हैं। पहला, अंश क्रय करना। ये बैंक औद्योगिक कंपनियों द्वारा बेचे जाने वाले अंशों को क्रय करते रहते हैं। इससे कंपनियों को इन बैंकों से पर्याप्त मात्रा में धनराशि मिल जाती है। दूसरा, ऋण पत्रों का क्रय करना। ये बैंक औद्योगिक कंपनियों के ऋण पत्र, बॉन्ड्स आदि भी खरीदते हैं। ऋण पत्रों के क्रय किए जाने से भी औद्योगिक उपक्रमों को पर्याप्त वित्त प्राप्त हो जाता है। तीसरा, ऋण देना। ये बैंक लघु मध्य तथा बड़े उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं, जिनका भुगतान सरल तथा आसान किस्तों पर करने की व्यवस्था होती है। इन बैंकों द्वारा ऋण देशी तथा विदेशी दोनों प्रकार की मुद्राओं में दिए जाते हैं। चौथा पॉइंट, ऋणों की गारंटी देना। अनेक बार औद्योगिक इकाइयां अपने ही साधनों से ऋण की व्यवस्था कर लेती है, किंतु उन्हें किसी वित्तीय संस्था से ऋणों की गारंटी दिलानी होती है। औद्योगिक बैंक ऐसी गारंटी प्रदान करके उद्योगों को सरल तथा आसान किस्तों पर
ऋण उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होते हैं। पांचवा, अभिगोपन करना। औद्योगिक इकाइयों द्वारा निर्गमित अंशों तथा ऋण पत्रों को बेचने का दायित्व भी औद्योगिक बैंकों द्वारा ले लिया जाता है। इन बैंकों द्वारा अभिगोपन कार्य किए जाने से अंशों तथा ऋण पत्रों की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, जिससे उनकी बिक्री आसानी से हो जाती है। छठवां, जमाएं स्वीकार करना। कभी कभी ये बैंक जनता से दीर्घकालीन अवधि के लिए जमाएं स्वीकार करते हैं। ऐसी जमाओं पर व्यापारिक बैंकों की अपेक्षा अधिक ब्याज दिया जाता है। अब आते हैं, देखते हैं भूमि विकास बैंक। भूमि बंधक या विकास बैंक का अर्थ, भूमि बंधक या विकास बैंक वह बैंकिंग संस्था है जो किसानों को उनकी भूमि को बंधक रखकर अधिक समय यानी दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। यह ऋण स्थायी भूमि में सुधार करने अथवा भारी यंत्रों को क्रय करने के लिए दिया जाता है। भूमि बंधक का बंधक या विकास बैंक के भेद। भूमि विकास बैंक को दो भिन्न आधारों पर वर्गीकरण किया जाता है। पहला, उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण। इस आधार पर भूमि बंधक बैंकों को निम्न तीन वर्गों में बांटा जाता है। इसमें पहला है सरकारी भूमि विकास बैंक। ऐसे बैंकों का गठन सहकारी आधार पर किया जाता है। इन बैंकों के सदस्य केवल उधार लेने वाले व्यक्ति होते हैं, जो छोटे छोटे किसान तथा भूस्वामी होते हैं। ये बैंक के सदस्यों द्वारा चुकाए गए प्रवेश शुल्क से ही अपने खर्चे पूरे करते हैं। जब कभी धनराशि की आवश्यकता पड़ती है तो बंधक बॉन्ड निर्गमित कर दिए जाते हैं, जिन पर निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है। इसके अतिरिक्त ऋण के रूप में भी पूंजी प्राप्त की जाती है। ऐसे बैंक मुख्यतः जर्मनी तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। भारत में इस प्रकार के बैंक बहुत कम हैं। मार्च 1959 में उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक इसी प्रकार का बैंक है। दूसरा, व्यापारिक भूमि विकास बैंक। इन्हें पूंजीवादी बंधक बैंक भी कहते हैं। इस प्रकार के बैंक लाभ की भावना से कार्य करते हैं तथा लाभांश का वितरण करते हैं। इनमें ऋणियों के मत का कोई महत्व नहीं होता। इस प्रकार के बैंक जर्मनी, डेनमार्क तथा नावे में पाए जाते हैं। तीसरा, अर्ध सहकारी भूमि विकास बैंक। इन्हें मिश्रित भूमि विकास बैंक भी कहते हैं। इस प्रकार के बैंक के सदस्य ऋण लेने वाले तथा ऋण देने वाले दोनों ही प्रकार के व्यक्ति होते हैं। ये अपनी कार्यशील पूंजी अंशों तथा ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा प्राप्त करते हैं। ये सीमित दायित्व के आधार पर कार्य करते हैं। भारत में इसी प्रकार के भूमि विकास बैंक पाए जाते हैं। वह है क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण, यानी दूसरा पॉइंट जो इनका वर्गीकरण है वो किसके आधार पर है, क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण। इस आधार पर भूमि विकास बैंकों को निम्न दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला, प्राथमिक भूमि विकास बैंक। भारत में ऐसे बैंकों का गठन खंड, तहसील तथा जिला स्तर पर किया गया है। इनका किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क होता है और यह उन्हें दीर्घकाल के लिए ऋण प्रदान करते हैं। ऐसे बैंकों को अब प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं। दूसरा, केंद्रीय भूमि विकास बैंक। भारत में इनकी स्थापना राज्य स्तर पर की गई है। ऐसे बैंक किसानों को
सीधे ऋण नहीं देते बल्कि ये प्राथमिक भूमि विकास बैंक को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं तथा उनके ऋण पत्रों की बिक्री में सहायता करते हैं। ऐसे बैंक अब राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के नाम से जाने जाते हैं। नमस्कार।